हेलो दोस्तों, आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे उनके मनपसंद का आसान तरीके से सुबह का नाश्ता, जो उनको बहुत ही पसंद आएगा। और ये नाश्ता कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं टेस्टी मैगी पराठा। दो पैकेट मैगी के लेंगे, एक पैन में 2 से 3 कप पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे। पानी में उबाल आने पर मैगी को पानी में डाल देंगे। ध्यान रखें कि मैगी को हमें 90% तक उबालना है। एक बर्तन की सहायता से नूडल्स का पानी निकाल लेंगे। मैगी को पानी डालकर ठंडा कर लेंगे और नूडल्स में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे नूडल्स आपस में नहीं चिपकेंगे। नूडल्स में ऑयल अच्छे से मिला लें। आपने देखा हमारे मैगी नूडल्स कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब पैन में 3 चम्मच तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटी हुई प्याज डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालकर 1 मिनट और भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। गर्म मसाला, नमक आपके स्वाद के अनुसार, अब मैगी नूडल्स को अच्छे से फैला कर डालें। मैगी मसाला मिलाएं और सही से मिलाएं। जब तक मैगी नूडल्स बन रहे ही, तब तक आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूले, और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी। हरा धनिया से गार्निश करें। आपके मैगी नूडल्स अब तैयार है। आप तैयार मैगी नूडल्स को ऐसे भी खा सकते हैं। मैगी पराठा बनाने के लिए मैंने आटे को पहले से ही गूंद कर लोई बना ली है। अब एक गोल लोई लेकर उसे बेल कर मैगी नूडल्स भर लेंगे। जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं, वैसे ही मैगी पराठा बना लेंगे। अब एक तवे पर पराठा दोनों तरफ से सेक लेंगे। पराठे पर दोनों तरफ से तेल लगा कर सेक लेंगे। आपका मैगी नूडल्स पराठा तैयार है। पराठा, दही, हरी चटनी या टोमेटो केचप या ऐसे ही खा सकते हैं और बच्चों के टिफिन में लगा सकते हैं।
कोचिंग।